जब जा रहे हैं आयोग पटना बीएससीबी जा रहे हैं तो उनको गेट से क्यों भगाया जा रहा है? बहुत सारे छात्र वहां से नहीं होगा, आप लिखित तौर पे दीजिए ना, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि जिसका भी कैटेगरी में है अगर गलती हुआ है स्कोर कार्ड में, हमारी एजेंसी जो गलतियां की है या बीएससीबी ने जो गलती की है उसका हम एक्सेप्ट करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टैग करना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी के अलावा जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी टैग करना चाहूंगा, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं उनको भी यहां पर टैग करना चाहूंगा। मैं उन लोगों से सवाल किए थे आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में, देखिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं बिहार एसटीईटी के ऊपर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी होगा, एसटीईटी के छात्र परेशान है। अब ये छात्र अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाए, क्योंकि आयोग इनकी बातें सुन नहीं रहा है और आयोग में जाने के बाद यहां से गेट से उनको बाहर भगा दिया जा रहा है। तो मैं सीधे सीधे इस वीडियो के माध्यम से अपने मन पूछना चाहता हूं कि आयोग में बैठे जो लोग हैं क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? सीधा सीधा सवाल है मेरा, आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं छात्र तो पहुंचाइए, क्योंकि देखिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग के ऊपर अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लगाना चाहूंगा बीएससीबी के ऊपर कि बहुत सारे छात्र, ऐसे एक दो छात्र नहीं है, शायद हो सकता है कि उनकी संख्या सैकड़ों में हो, हजारों में भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि बिहार एसटीईटी का एग्जाम दिए हैं और उनके स्कोर कार्ड में, अब आप लोगों को आगे आकर इसका जवाब तो देना चाहिए ना, उनका स्कोर कार्ड दिया गया है, अब स्कोर कार्ड में जो है इनके साथ समस्याएं आ रही हैं। पहले तो समस्या वहीं से शुरू हो गई थी जब इसका फॉर्म भरा जाना 9 अगस्त से शुरू किया गया था, इनका जो है वेबसाइट ढंग से चल नहीं रहा था, छात्रों ने अपना इनपुट डाला और इनपुट जो है यहाँ पे कुछ ही के सही हुए, किसी के गलत हुए, फिर है नोटिफिकेशन दिया गया। नोटिफिकेशन में एक बात कहीं नहीं लिखी गई कि ये जो परीक्षाएं ली जा रही है, ये परीक्षाएं जो ली जा रही है आपका बिहार एसटीईटी का परीक्षा जो लिया जा रहा है ये बिहार के संदर्भ में लिया जा रहा है, यानी कि बिहार के छात्रों को इसमें आरक्षण मिलेगा, नहीं, ये चीजें कहीं नहीं नोटिफिकेशन में लिखी गई है। तो फिर आपने फॉर्म भरवाते समय जो इनपुट डेटा लिया वहां पे अदर स्टेट के स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया कि आप लोग जो है यहाँ पे डोमिसाइल बताइए यहाँ पे पहली चीज कि आप बिहार के हैं या नहीं है, तो इसका क्या औचित्य बनता है वहां पे फॉर्म भरवाते समय? ठीक है, अब यहाँ पे डोमिसाइल आपने ले लिया, ठीक है, और ये अदर स्टेट के छात्र भी यहाँ पे आते हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, है ना, या फिर राजस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र झारखंड से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं फॉर्म भरने, तो इन राज्यों से अगर छात्र आकर फॉर्म भरते हैं, इनसे आपने जो है अपना डोमिसाइल डेटा भी मांगा है, तो उनके स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड पे गलतियां कैसे हो रही हैं? बीएससीबी के पास ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या जो इन सभी चीजों का सुधार करवा सकते हैं? ये सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि इनके उनका जो स्कोर कार्ड आया है उसके स्कोर कार्ड में बहुत सारे छात्रों का त्रुटि है। त्रुटि क्या है यहाँ पर कि वो जनरल से है ओबीसी कैटेगरी दे दिया गया, ओबीसी है तो एससी एसटी कैटेगरी दे दिया गया है। स्कोर कार्ड में ही नहीं, ये चीजें इनकी सुधार करवाई गई थी, मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि आप लोगों से फॉर्म भरवाने के बाद यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया गया था कि आप लोग जो है अपना डेटा सुधार करवाइए। और देखिए इस वीडियो के बाद ना कोई स्टूडेंट मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं आयोग में नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपकी बातों को वहां पर रख सकता हूं। और यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्म भरवाने के बाद यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट करवाया था इन्होंने, अब लिंक एक्टिवेट करवाने के बाद इन्होंने बोला कि जो भी सुधार करना अपना सुधार कर लीजिए। इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है कभी बात ही नहीं की, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा छात्रों की गलतियां हुई थी, बहुत सारे छात्र जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाए थे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद भी, और उन्होंने गलत डाल दिया। बहुत ने तो एग्जाम जाकर दे भी दिया है लेकिन उस एग्जाम का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये तो आपका जो भी स्कोर कार्ड आया है उनके सब्जेक्ट को लेकर आया है, और जब वो बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा एसटीईटी पास होने का, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जब आप लोगों ने डोमिसाइल लेकर अपने इनका फॉर्म एडिट भी करवाया तो एडमिट कार्ड तो सही आया, आपका एडमिट कार्ड तो बिल्कुल सही आया, एडमिट कार्ड में सब कुछ सुधार हो गया है, वो लड़के एग्जाम देने भी गए जो इन्होंने सुधार करवाया। लेकिन जब आप स्कोर कार्ड देते हैं तो स्कोर कार्ड में यहाँ पे समस्या आ जाती है, फिर से वही सारा डिटेल आ जाता है जो कि गलती हुई थी। तो अब छात्र जब जा रहे हैं आयोग पटना बीएससीबी जा रहे हैं तो उनको गेट से क्यों भगाया जा रहा है? बहुत सारे छात्र वहां पहुंच रहे हैं और इस चीज का पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, तो बहुत लोगों को बोल दिया जा रहा है कि जाइए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कैसे नहीं होगा, आप लिखित तौर पे दीजिए ना, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए
कि जिसका भी कैटेगरी में है अगर गलती हुआ है स्कोर कार्ड में, हमारी एजेंसी जो गलतियां की है या बीएसईबी ने जो गलती की है उसका हम एक्सेप्ट करते हैं, ये मानिए आप लोग। तो आप मुंह से बोल दे रहे हैं, आपके कर्मचारी लोग वहां पे मुंह से बोल दे रहे हैं कि जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर वहां से गेट में ही एंट्री नहीं देने दिया जा रहा है। तो ये तो हमारे पास लाइफ टाइम वैलिड रहेगा ना, बिहार एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ है ये तो हमारे पास लाइफ टाइम कार्ड रहेगा। अब आप एक बात बताइए, जो भी है हमारे पास अगर टेंथ का सर्टिफिकेट है, इसमें अगर कोई भी मेरे नाम में या मेरे फादर नेम में या मेरे मदर नेम में कोई भी अगर गलती होता है मेरे सर्टिफिकेट में, तो अगर मैंने इसका सुधार नहीं करवाया तो मैं कहीं भी अप्लाई करने जाऊं किसी भी वैकेंसी में या किसी भी जगह पे अपनी नौकरी के लिए, तो ये तो बोलेगा कि यार तुम्हारा तो जो है मिसमैच हो रहा है, सर्टिफिकेट मिसमैच कर रहा है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं तो वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। उसी तरह ये भी एक एसटीईटी जो है एक क्या है, पात्रता परीक्षा है। तो अगर हमारे पास ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा तो हम गलत स्कोर कार्ड अपने पास क्यों रखें या गलत सर्टिफिकेट क्यों रखें? या तो आप ये आके कह दीजिए या नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि हम जो भी चीजें सर्टिफिकेट में आएगा वो सुधार करके दे देंगे, और फिर सर्टिफिकेट सुधार करने आइए आप लोग। क्योंकि देखिए स्कोर कार्ड में तो कोई सुधार नहीं होगा, ये तो मैं भी जान रहा हूं और छात्र भी जान रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में सुधार करके देंगे इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। बस इतना से तो मांग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एसटीईटी परीक्षा को लेकर छात्र अभी भी परेशान है, 9 अगस्त से लेकर जो परीक्षाओं का सीजन चला यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर, तो समस्याएं बढ़ती गई। बहुतों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती हुआ, बहुत सारे छात्र ऐसे थे कि जो अदर स्टेट से थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट समझकर जो है यहाँ पे गलतियां की। चलिए उसका सुधार आप लोगों ने करवाया, लेकिन जो सुधार करवाया, सुधार करवाने के बाद नाम मदर नेम फादर नेम में भी गलतियां हुई उसका भी सुधार करवाया, आधार कार्ड में हुई गलतियां उसका भी एडिटिंग करने का सब कुछ आपने मौका दिया, लेकिन जब सुधार हुआ एडमिट कार्ड पे वो चीज आई तो फिर स्कोर कार्ड पे गलती क्यों हुआ? अब ये बताइए, हमें जल्दी से इस चीज का जवाब चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान है और छात्र परेशान होकर बीएसईबी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको वहां से भगा दिया जा रहा है, गेट से ही बाहर भगा दिया जा रहा है, और गेट से जब बाहर भगाया जा रहा है तो वो कॉल कहां कर रहे हैं? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए गए हैं एसटीईटी के ऊपर, तो छात्रों का एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो इसलिए यहां पे कॉल्स आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं। तो आप लोग, मैं देखिए आयोग में नहीं बैठा हूं क्योंकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं, नहीं तो मैं वहां रहता तो जरूर इसके ऊपर सोचता विचारता सुधार करने का कोशिश करता। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि चीजें सरकार तक पहुंचे। और देखिए हम लोग कोई गलत चीज तो मांग कर नहीं रहे कि डरेंगे, अब बहुत सारे छात्र डर के मारे नहीं जा रहे आयोग में कि वहां जाएंगे वहां भगा देगा लोग, नहीं। तो आपका सवाल बनता है, औचित्य बनता है। देखिए इसी तरह 2019 का स्कोर कार्ड जब दिया गया था उनके स्कोर कार्ड में भी गलतियां हुई थी, तो वो कोर्ट केस हुआ था वहां पे जाके, तो चीजें सुधार की गई ना। तो गलती होगा तो हमारे सामने तो न्यायालय है, हम वहां तक जा सकते हैं लोग। तो आप लोग अपने साथ कोई गलत प्रमाण पत्र लेकर नहीं आगे बढ़िएगा, ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। आज स्कोर कार्ड है, कल सर्टिफिकेट आएगा। आयोग को यहाँ पे सामने आकर इस चीज को बताना चाहिए कि सर इस चीज का जो है हम यहाँ पे खंडन करते हैं और जो भी गलतियां हुई हैं उसका सर्टिफिकेट में सुधार करके दे देंगे जिसके पास भी सर्टिफिकेट पासिंग का गया हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं शामिल किया गया था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया था जो कि बिहार के स्टूडेंट के छात्र हैं, या फिर बिहार के जो छात्र हैं यहाँ पे देखिएगा तो जो भी छात्र एग्जाम दिया है, चाहे आप ओबीसी में हैं या ईबीसी में हैं या एससी एसटी में है ना, एससी एसटी में है या पीएच कैटेगरी में है, आप लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि इस एग्जाम को ना यहाँ पर ऑल इंडिया एग्जाम कह दिया गया। आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा, यहाँ पे बिहार के छात्रों को आरक्षण का लाभ, ये ऑल इंडिया के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिला यहाँ पे, यानी कि जो अदर स्टेट से छात्र आए हैं उन्होंने एग्जाम दिया है, उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका की अदर स्टेट से हैं, और अदर स्टेट से हैं तो कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। अदर स्टेट से ओबीसी हैं तो 75 आना चाहिए। बिहार के हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी में लिया जाएगा, है ना, कि बिहार में है तो आप उतना मार्क्स लेकर आए। लेकिन यहाँ पे जो है ये किया गया कि जो अदर स्टेट से भी छात्र आ रहे हैं उनको भी उनके कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि उन्होंने ओबीसी भर दिया, उन्होंने ईबीसी भर दिया, उन्होंने एससी एसटी भर दिया, तो उसी के कैटेगरी के अनुसार उनका रिजल्ट दिया गया है। मैंने लास्ट वीडियो में इसका अपडेट आप लोग को दिया है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी मांग हम लोग करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं, और यहाँ पे आप लोग भी आवाज उठाइए कि इसमें सुधार करवाया जाए, क्योंकि ये स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है,
तो अगर गलतियां हुई तो आज नहीं, चलिए आज तो भाई मान लीजिए अगर बीपीएससी के चेयरपर्सन अभी बहुत ही अच्छे हैं जो कि समझ रहे चीजों को, ऐसी गलती होती है, होती रही थी, आगे भी हो सकती है, तो वो चीज को समझ रहे हैं। लेकिन अगर वैकेंसी आगे आएंगी है ना, और उसमें आप लोग को इनवैलिड कर दिया जाएगा, इस स्कोर कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा जहां पे आपकी त्रुटियां हैं, अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर वहां पे अगर कोई ऐसा चेयरपर्सन रहा नहीं जो कि इस चीज को समझे तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी आवाज उठाइए, आप लोग भी जाइए मांग कीजिए कि सर नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए एटलीस्ट बीएससीबी की तरफ से एसटीईटी को लेकर कि जो स्कोर कार्ड दिया गया है इसको हम लोग सर्टिफिकेट में सुधार करके दे देंगे, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं छात्रों का जो स्कोर कार्ड गलत दे दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी को भी लेकर बहुत सारे लोगों के नाम फादर नेम मदर नेम में भी जो सुधार हुआ था उसको सुधार नहीं किया गया, बल्कि एडमिट कार्ड पे सुधार करके दिया गया था लेकिन स्कोर कार्ड पे सुधार करके फिर से नहीं दिया गया है। तो इन सबका मांग कीजिए आप लोग। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।